हेलो गाइज, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने पिछले ब्लॉग में आपको आठों पर्व की धूम दिखाई थी, तो दोस्तों अब गौरा और महेश्वर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन का आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये देखिए, आज गौरा और महेश्वर भगवान की विदाई का दिन तय किया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर भगवान महेश्वर और गौरा माता की पूजा अर्चना की जा रही है। जितने भी हमारे यहाँ इस रस्म में भाग ले रहे हैं, सभी लोग एक एक करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और गौरा माता और महेश्वर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, अब प्रसाद का वितरण भी होगा। और तो देखिए, माता गौरा की झोली में भी प्रसाद रखने की व्यवस्था की जा रही है और ये यहाँ का रिवाज है। ये देखिए, माता गौरा देवी और भगवान महेश्वर की पूजा के बाद ये प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और एक एक करके सभी। ये देखिए दोस्तों, अब तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। माता गौरा और भगवान महेश्वर की आराधना की जा रही है और यहाँ पर 5 बार पानी परखने का रिवाज है और प्रत्येक महिला के द्वारा यहाँ पर पानी परखा जाएगा माता गौरा और भगवान महेश्वर को 5-5 बार। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद इनकी यात्रा अगले पड़ाव के लिए शुरू होगी। दोस्तों ये देखिए, अब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद अब इनको गोद में उठा लिया गया है। अब इनका विसर्जन किया जाएगा ऊपर मंदिर में। अब इनको बाहर लाया जा रहा है और इनको उल्टे मुंह बाहर लाने की परंपरा है। ये देखिए, आज गौरा माता का विदाई का दिन होता है। ये देखिए, इस दरवाजे के 5 बार अंदर और 5 बार बाहर आने का रिवाज है। अभी ये 5 बार अंदर जाएंगी और 5 बार बाहर निकलेंगी। ये देखिए, बाहर आ चुके हैं सारी रस्में पूरी करने के बाद। अब इनका विसर्जन की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, अब इनको ऊपर गुरला दरबार में विसर्जन किया जाएगा। ये देखिए, ये महेश्वर भगवान हैं और गौरा माता आगे हैं। सारे गांव की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पूरा आस्था और विश्वास से इस पूजा को पूर्ण किया जा रहा है। ये देखिए, अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं। काफ़ी पथरीला रास्ता है और जोंक भी लगे हुए हैं बरसात ज़्यादा होने के कारण। ये देखिए, अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में। ये देखिए दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने इसको स्थापित कर दिया है। अब इनके जितने भी हमने जो आकृतियाँ बनाई थी, जो कपड़े पहनाए थे, इनको सब उतारने का रिवाज है और अगली बार ये कपड़े धुलाई करके रख दिए जाएंगे अगले वर्ष जब इनका त्यौहार आता है। देखिए, विशेष आकृतियाँ बनाई गई हैं महेश्वर भगवान और गौरा माता की और उनके। ये एक बहुत आस्था का होता है। ये देखिए, एक एक करके सारे वस्त्र निकाले जा चुके हैं। गांव की महिलाएं एक एक करके इस कार्य को पूर्ण कर रही हैं। ये कपड़े उतारने का, श्रृंगार का कार्यक्रम जारी है। ये देखिए, इतने अंतर्वस्त्र हम उतार चुके हैं। ये देखिए,
दोस्तों ये देखिए, पांच बार इस रस्म को किया जाता है फल चाहने की, और इसको भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पूर्ण रूप से माता गौरी और महेश्वर भगवान का यहाँ पर विसर्जन कर दिया गया है। ये देखिए, फूल अर्पित कर रहे हैं महिलाएं और यहाँ पर इनका आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद फलों का वितरण किया जाएगा। यहाँ पर ये श्रृंगार आदि जो वस्त्र हैं उनको संभाले जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से अब विसर्जित कर दी गई है। अब सभी महिलाएं एकत्र होकर आराधना कर रही हैं गौरा माता और महेश्वर भगवान की, और साथ में इष्ट देवता गोरला की। माता गौरा और भगवान महेश्वर और गोरला देवता का आशीर्वाद आप सभी श्रद्धालुजन और मेरे पूरे YouTube परिवार और सारे सृष्टि के मानवों पे बना रहे। फाइनली दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? दोस्तों आज मैंने आपको पूरी इस पर्व की खास विशेषताएं दिखाई, और सूक्ष्म रूप में मैंने आपको वीडियो में दिखाया। मैंने स्टार्टिंग से आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, और इंड भी आज मैंने इस ब्लॉग में दिखाया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।